हेलो स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज डिबेट जैसे कि आपने कई बार सुना भी होगा कि डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल्स के अंदर अब आप सोचते होंगे डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो डिबेट हम लिखेंगे कैसे सो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट इज डिबेट अ डिबेट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट टू साइड्स स्पीक ऑल्टरनेटिवली एंड फॉर एंड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंटेंशन यूजअली बेस्ड ऑन अ टॉपिकल इशू अनलाइक द आर्ग्यूमेंट्स यू माइट हैथ योर फैमिली और फ्रेंड्स हाउ एवर ईच पर्सन इज अलॉटेड दे आर अलाउड टू स्पीक फॉर एंड एनी इंटरजेक्शंस आर केयरफुली कंट्रोल्ड अब डिबेट जो है वो एक स्ट्रक्चर किया है सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर दो साइड्स होती हैं दोनों साइड फॉर एंड अगेंस्ट फॉर मीन्स यहाँ पर है फेवर में एक आ, भी एक फेवर में बोलेगा उस बात के और एक उसके अगेंस्ट में बोलेगा पर्टिकुलरली तो इसके अंदर जो टॉपिक इश्यू होता है उसके एक तो फेवर में बोल रहेगा और एक अगेंस्ट में बोलेगा और अनलाइकली ये आर्ग्यूमेंट्स है ना हमारी फैमिली में भी आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स में भी देखा होगा कि आप लोग किसी एक बात से तो एक अच्छा सहमत होता दूसरा उस बात से सहमत नहीं होता तो टिपिकली ये उसी बेस के ऊपर हम उसने उसको नाम दिया है डिबेट तो इसके अंदर एक इंटरजेक्शन चलती रहती हैं सो व्हाट इज अब आप कहोगे कि आर्ग्यूमेंट्स तो वैसे भी टीचर्स कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स मत किया करो और ऐसे मत बोला करो तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है डिबेट का डिबेट इज अ ग्रेट डिवाइस फॉर एंगेजिंग स्टूडेंट्स एंड ब्रिंगिंग लाइफ टू द अब डिबेट और आर्ग्यूमेंट डिबेट इसीलिए एक ग्रेट डिवाइस है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को आप लोगों को एंगेज करता है लाइफ जो है क्लासरूम की उसको बेटर बनाने के लिए यूजिंग डिबेट इन द क्लासरूम कैन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड असेंशियल क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स ये दो चीजें हमें सिखाएगा एक सिखाता है ये हमारे जो है, जो हम सोच रहे हैं उसके अंदर हम किस तरह से मतलब कि वर्ड्स को मैनेज करें सोचने पर मजबूर करता है फिर दूसरी चीज आती है कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए अब आपस में आपने रोड के ऊपर भी देखा होगा कुछ वैसे लोग जब आर्ग्यूमेंट्स करते हैं वो आर्ग्यूमेंट कैसे बढ़ता है तो वो लैंग्वेज पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है तो प्रेजेंटेशन स्किल को भी क्लासरूम में हम लोग सीखते हैं और ये काफ़ी सारे प्रोफेशनल उसमें भी हम लोगों को काम आता है आप जो ये कई बार सुनते भी होंगे कि आज हियरिंग थी कोर्ट में अब वो सीखने के लिए आपको शुरू से ही किसी भी बात के लिए अगर आप आ, कहना चाहते हैं अपने आ, थिंकिंग को रखना चाहते हैं तो किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे वो स्किल आपको आना बहुत जरूरी है और उसमें हेल्प करती है हमारी डिबेट हमको सो क्लास डिबेट्स गिव स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट देयर थॉट्स यहाँ पर हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने थॉट्स को समझें टेस्ट करें कि क्या हमारे थॉट्स वाकई में उस टॉपिक से इतने मैच करते हैं और क्या हम उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं एंड व्यूज अगेंस्ट दैट ऑफ देयर पीएस और उसके अगेंस्ट में हमें क्या क्वेश्चंस मिल सकते हैं एक टॉपिक अगर जो दिया जाता है हमें और हमें उसको कैसे आंसर करना है तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिबेट में सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वॉट इज़ अ डिबेट फॉर स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स के लिए डिबेट क्या है अ डिबेट इज अ डिस्कशन और स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेस्ट अबाउट एन ईशू और अ रिसोल्यूशन कोई भी जो ईशू हुआ उसके ऊपर दो फेवर में और अगेंस्ट में आप लोग डिवाइड हुए स्टूडेंट्स उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन जब चला तो उसका रिसोल्यूशन्स निकालने की कोशिश की उस इशू को समझने की कोशिश की गई और फॉर्मल डिबेट इन्वॉल्व टू साइड्स हर एक जो डिबेट होती है उसके अंदर दो साइड्स होती हैं वन सपोर्टिंग एक उसके फेवर में उसको सपोर्ट करती है और रिसोल्यूशन एंड वन अपोजिंग इट और दूसरी उसकी अगेंस्ट होती है अपोजिट होती है इन द कॉन्टेक्सट ऑफ अ क्लासरूम द टॉपिक फॉर डिबेट विल बी गाइडेड बाई द नॉलेज लेकिन जब क्लास रूम के अंदर किसी टॉपिक के ऊपर अगर डिबेट हो रही है तो वो हमें गाइड करता है कि हम नॉलेजबल एंड स्किलफुल और वैल्यूड उसमें से निकालें वो सकम्स टूस हमारी नॉलेज को हम इम्प्रूव करें हम लोग क्योंकि अगर कोई टॉपिक दिया जाएगा तो हम उसके बारे में बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में इधर उधर से जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स रिलेटेड हैं उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसको प्रेजेंट करेंगे ये इवन नॉट ओनली एडवोकेट्स ये इवन जब आप जर्नलिज्म का काम भी सीखते हैं ना आगे जाके अगर आप जर्नलिज्म का कोर्स भी करते हैं तो वहाँ पर भी ये हमको हेल्पफुल होता है क्योंकि यहाँ से हम सीखते हैं कि हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स उसके अंदर कलेक्ट करने हैं सो वट स्किल डज डिबेट टीच अब क्या सिखाता है डिबेट हमें इम्प्रूविंग रिकॉर्ड हायर ऑर्डर एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन्हेंसिंग द एबिलिटी टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज थाट्स किस तरह से हमें अपने थाट्स को ऑर्गेनाइज करना है पहले हम इकट्ठा करेंगे जो चीज़ हमने स्पीच के अंदर की थी मटीरियल हमने पहले इकट्ठा किया दैन वी हैव टू अरेंज दम कि हमें उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है बट यहाँ पर सिर्फ चीज़ चेंज के आता है स्पीच से ही रिलेटेड है बट यहाँ पर चेंज आता है कि एक सिर्फ उसके ऑपोजिट का मटीरियल कलेक्ट करेगा दूसरा उसके फेवर का मटीरियल कलेक्ट करेगा अब फेवर किस तरह से करना है और उसको किस वक्त पर बोलना है उस टॉपिक के बीच में उस चीज को हमें वहाँ पर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है एनहैंसिंग लर्नर्स एनालिटिकल रिसर्च एंड नोट टेकिंग स्किल्स इंप्रूविंग लर्नर्स एबिलिटी टू फॉर्म बैलेंस्ड इनफॉर्म आर्ग्यूमेंट्स एंड टू यूज रीजनिंग एंड एविडेंस यहां पर हम जो इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं मतलब कि जो वर्ड्स हमें यहाँ पे यूज नहीं करने एक लगना चाहिए न कि हाँ ये आर्ग्यूमेंट नहीं है ये डिबेट है आर्ग्यूमेंट इज अ वेरी बैड हैबिट डिबेट के अंदर हम अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं एक मैनर्स के साथ एक पोलाइटनेस के साथ यहाँ पे आ, हम बातचीत कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो वहाँ पर हम इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि बेकार वर्ड्स को यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे हम एक सभ्य शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल करना सीखते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिबेट एंड एन आर्ग्यूमेंट ये क्वेश्चनस भी आते हैं माइंड में डिबेट हैज़ मैथड डिबेट का एक मैथड होता है आर्ग्यूमेंट डज नॉट नेसेसरली अब जब आर्ग्यूमेंट्स करने बैठते हैं तो हम दूसरे को बोलने का मौका भी नहीं देते कई बार हम इतना चीखते हैं चिल्लाते हैं और वो लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट होता जाता है बट डिबेट के अंदर आप बड़े पोलाइटली बैठ कर अपने व्यूज़ को रखेंगे दूसरे को सुनोगे तब आप उसके उसका आंसर दोगे द डिफरेंस इज दैट आर्ग्यूमेंट यूजअली हैज़ A more negative connection to it and debate on the other hand is usually a conversation between people expressing two sides of a certain topic in a polite and respectable manner what are the two sides called in a debate up those sides I have favor or opposite but specifically any debate will have two sides जो फेवर में है उसको हम कहते हैं प्रपोजिशन साइड एंड दूसरा जो अपोजिट में है उसको हम कहते हैं अपोजिशन साइड द जॉब ऑफ द प्रपोजिशन साइड इज टू एडवोकेट द एडोपन ऑफ द रिसोल्यूशन वाल द जॉब ऑफ द अपोजिशन साइड इज टू रिफ्यूट द रिसोल्यूशन रिफ्यूट मतलब उसको रिफ्यूज करना उसके अगेंस्ट बोलना और जो प्रपोजिशन में है वो उसको अडॉप्ट करता है उससे सहमत है तो ये होता है हमारे डिबेट के अंदर थोड़ा बहुत क्या ये एक पार्ट ही है स्पीच का स्पीच में हम जितने भी हमारे व्यूज़ हैं हम लोगों के सामने रखते हैं लेकिन यहाँ पर डिबेट के अंदर हम उसके ऑपोजिट जो है कुछ लोग जैसे सहमत नहीं होते उनको बोलने का मौका देते हैं तो वो दोनों व्यूज़ वहाँ पे रखे जाते हैं और उसके बाद जिसमें मेजॉरिटी होती है उस चीज़ को माना जाता है तो उसकी मेजॉरिटी को लाने के लिए हम उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और तब हम अपने व्यूज़ को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो डिबेट हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है एक सभ्य नागरिक बनने के लिए आई होप यू लाइक इट ओके स्टूडेंट्स थैंक यू